तो नमस्कार इंडिया, आई होप एंड आई नो कि तुम लोग एकदम फिट फाइन हैप्पी सुरक्षित होंगे एंड लिटरली तुम लोगों को होना भी चाहिए। आई एम सॉरी गाइस कि ऑफ कोर्स वीडियो अपलोड नहीं हुआ एक दो दिन। उसका रीज़न पता है, फ़ोन है मैन यू इस पर कि हाँ मैंने ये कर दिया। एक दिन नहीं हुआ बट तो एक दिन हुआ, आज तो मैं कर ही दूंगा रात तक। ओके, बट बीच में वीडियो रिकॉर्ड कर मतलब एक्चुअली ये है ना कि फ़ोन पता हैंग हो गया था, मतलब अपने आप गाने बज रहे थे, अपने आप यूट्यूब खुल रहा था, अपने आप सब कुछ हो रहा था, इमीडिएटली खुद मतलब उसका दिमाग ख़राब हो गया था, मतलब कुछ तो हुआ था उसके साथ। ओके, आगे की बकचोदी सुनने के लिए सबसे पहले ये थंबनेल देखो। ऑफकोर्स इस थंबनेल में जो हमारा फ्रैंकलिन है ना, उसने मून पे घर बना लिया। इट्स पॉसिबल, हाँ ऑफकोर्स ओप्सी एरिया है, कुछ भी कर सकता है इस मून पे, क्या हम तो सन पे भी घर बना लेंगे। बट उससे पहले मैं सन दादा से ऑफकोर्स उनसे इजाज़त लेना पड़ेगा सन पे घर बनाने के लिए। अब मून पे तो हमने बना लिया, यू नो कि मून पे तो सब जा चुके हैं। ओके, सब मतलब लगभग कुछ लोग, तो कैसे कब क्यों क्या हुआ जानना चाहते हो ऑफ कोर्स, मैं भी बताना चाहूँगा। तो ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए तुम और मैं ये वीडियो देखते हैं। एक्चुअली वीडियो देखने से पहले हम लोगों का प्यार मतलब बरकरार रहना चाहिए, हम दोनों मतलब पब्लिक और ऑनर का, ऑनर जस्ट नहीं बोलेंगे बट हाँ ये उसी का और हम पब्लिक का प्यार बना रहना चाहिए। एंड मेक श्योर गाइस की वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। एंड इंटरेस्टिंग बात बकचोदी वीडियो स्टार्ट होता है। ओके, देखो एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता रहता कि मैं वीडियो में बोल क्या रहा हूँ, लेकिन जो भी बोलता हूँ ना वो तुम्हें पसंद आना चाहिए, बस ये सोचता हूँ। ओके, एंड फाइनली गाइस पता है क्या हुआ, सुनो 15 तारीख, यू नो कि 15 तारीख को मेरा 4th पेपर है जो कि इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का पेपर है, और इस पेपर में लगभग 10 दिन छुट्टी मिली थी, लगभग मतलब हाँ 11 मान लो या 10 मान लो, और चैप्टर आ रहे थे 15। तो ऐसे कहा जाए तो गाइस मुझे 15 चैप्टर आने चाहिए, नहीं क्योंकि 10 दिन की छुट्टी, तो ऑलमोस्ट मान के चलो 10 चैप्टर आना चाहिए। बट अभी पता मुझे कितने चैप्टर आते हैं, यू शॉक्ड। एंड जब मुझे पता चला ना तो मैं भी खुद शॉक हो गया कि मेरे को इतना चैप्टर आता है। हाँ तो पता क्या, मुझे सिर्फ 1st चैप्टर आता है। ओ माई गॉड, यू शॉक्ड, आई एम शॉक्ड। ऑफकोर्स एक चैप्टर, 15 चैप्टर में से सिर्फ मुझे एक चैप्टर आता है, कितनी अच्छी बात है ना। बट इस बात को मैं नेगेटिव नहीं लूँगा, मेरे पास आज रात का तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पता है मैं टीवी फ़ोन देखने लग जाता हूँ, बट मेरे पास कल यानी 24 घंटे में से मतलब मान के चलो ऑलमोस्ट सब कुछ निकाल दिया जाए तो 12 घंटे, एंड 12 घंटे में मैं वो हर चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकता हूँ जो कि आएगा ही आएगा। तो मैं इसको नेगेटिव वाइब में कभी नहीं लूँगा, और मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ है ना कि मेरे पीछे एक लड़का है तुम्हें पता ही है, एंड से नाम है उसका, बड़ा अच्छा बंदा है और इकोनॉमिक का ना है, तो गाइस वो आएगा एक्चुअली, क्या कहते हैं एक्चुअली हाँ बार ग्राफ डायग्राम टाइप आएगा। तो इंग्लिश हो या हिंदी सब में डायग्राम तो सेम बनता है ना गाइस, तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि पीछे वाला बता देगा, एंड पीछे वाले के बगल के में कोई और क्लास बैठेगी, उसके बगल में हमारी क्लास के बच्चे बैठते हैं जिसका नाम एस से आता है, एस ऑफकोर्स। और आई नो कि मुझे पता है मुझे हेल्प करेगा, और मुझे पता है क्यों गाइज, ऑफकोर्स क्योंकि उसने मेरे पोल के पेपर में मेरा आंसर शीट लिया था उसने, और मैंने उसका लिया था, और मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उसने 2-2, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन किए थे और मैंने 2 क्वेश्चन किए थे 6-6 नंबर वाले, यानी इनडायरेक्टली मैंने उसके 12 नंबर नहीं बोल सकते, तो कम से कम 10 नंबर तो उसके मनवा ही दिए, इसने 2-2, 4-4 वाले किए थे, हमने इक्वली किया था, तो वो उस टाइम मुझे पोल के पेपर में बता सकते हैं, तो मुझे अपने आप पर ट्रस्ट है कि ये इको के पेपर में भी मेरी हेल्प कर देगा। ओके, और मैं भी करूँगा। देखो लाइफ में मैं हमेशा तुमसे बोलता हूँ गाइस कि ऑफकोर्स अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई बंदा तुम्हारे फायदे के लिए है ऑफकोर्स, तो उसको यूज़ करो, मतलब इस बात को इनडायरेक्टली मतलब गंदे वे में मत लेना, रॉन्ग वे में मत लेना। अब देखो भाई इन रियल लाइफ 2024 में तुम जी रहे हो, तो कोई लोग तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, कोई प्रोजेक्ट या कोई ऑफकोर्स कोई भी एज में कोई भी बंदा तुम्हारी ऐसे हेल्प नहीं करेगा, और कर भी रहे ना कोई ऐसे हेल्प बिना कुछ सोचे समझे तो भाई वो महान इंसान है। बट अगर 2024 में कर देगा तो बहुत कम लोग हैं जो ऐसी हेल्प कर देते। तो अगर उस दिन मुझे पोल के पेपर में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते तो वो बंदा मुझे पूरा पेपर आंसर शीट नहीं देता, तो मैं वही कहना चाहता हूँ ना, तुम दूसरों पर डिपेंड रहो। बट अगर तुम्हें लगता है कोई हाँ तुम्हारे काम आ सकते हैं, ये बंदे तुम्हारे काम आ सकते हैं, बट भाई वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा, तुम सोचो ना। एंड तो अगर तुम उसके काम के लायक हो तो ही वो बंदा तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि फ़ायदा दोनों का होना चाहिए, तभी सामने वाला मदद करता है, याद रखना।
तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह ना अपने आगे पीछे वाले पर डिपेंड रह जाऊंगा कि हाँ तुम ही कर लो सब कुछ, मेरे को तो कुछ आती नहीं, मैं तुम्हारे में से चीटिंग करके पेपर नो भाई। वो तो भले ही इंसान है मुझे लगता है, मतलब पेपर दिखा दे वो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ऐसे बच्चों में होता है ना कि मैं करूँ सारा और इसको दे दूँ और इसके नंबर आ जाए, ऐसे नहीं। तो आई होप कि वो मेरी ईगो में हेल्प कर दे। एक्चुअली मैं पूरी तरह उस पर डिपेंड नहीं हूँ। देखो आज मैंने जो भी वेस्ट किया बट मुझे दो चैप्टर पता है, मुझे डायग्राम बेस्ड है वो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैम ने बताया था, बच्चों ने भी और मेरे दोस्तों ने भी बताया था गाइस। तो वो तो मुझे करना ही है, वो मैं आज रात को ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लूँगा, और ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब समझ के ही पढ़ूंगा, लेकिन डायग्राम में तो मेरे को आसानी से आ जाएगा। डायग्राम है इसलिए आसानी से नहीं आएगा क्योंकि आई हेट डायग्राम्स, बट उसके अंदर बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, तो यू नो तुम समझ सकते हो कि हमने 10th 9th में ही पढ़ा होगा, तो ये तो ईजी है बार ग्राफ डायग्राम। ओके तो ये कर लूँगा। और एक और चैप्टर में भी, उस चैप्टर में भी कुछ ऐसे ही है बट वो 11th के बेस पे है, तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि कर लूँ ये दोनों चैप्टर को, एंड फाइनली कल 24 घंटे ऐसे तो बोला जाए, और काट कूट के बोला जाए तो मेरे हिसाब से 12 घंटे, तो मैं 12 घंटे में वो 15 चैप्टर में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकता, मतलब पढ़ सकता हूँ या याद कर लूँगा, याद ही करना मेरा मतलब कि जो आ जाए पेपर में और मैं करूँ। और मुझे पता है मुझे कुछ क्वेश्चन आएगा तभी वो आगे वाला मेरे से हेल्प करेगा। तो आई मेरे को कोई मतलब वो नहीं है, मेरा सिचुएशन जैसा है, मैं आज नहीं करा उसका मैं हूँ। तो जो भी तुम्हारा सिचुएशन है, जो भी तुम डिसीज़न लेते हो, याद रखना कि उस डिसीज़न पर कभी पछतावा नहीं होना चाहिए तुम्हें कि हाँ यार मैंने ऐसे नहीं किया तो ऐसे नहीं किया, ऐसे हो जाता ऐसे हो जाता। नो भाई, तुमने जो डिसीज़न लिया वो तुमने सही लिया, और उसके लिए हमेशा सही रहना क्योंकि तुमने खुद डिसीज़न लिया। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ऐसा ही हूँ भाई कि मैंने जो डिसीज़न लिया है वो मेरे अच्छे के लिए ही मैंने लिया है, और महादेव कभी भी तुम्हें गलत डिसीज़न नहीं लेने देंगे। ओके मैं तो खुद ऐसे, पता है तुम ऐसे सोचोगे ना कि मैं मंदिर नहीं जाता, मतलब मैं बहुत कम मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा पाठ भी बहुत कम करता हूँ, बट मैं भगवान से डेली बात करता हूँ, तुम्हें ऐसे बिलीव होगा कि ये कौन सा बंदा है, बट एक्चुअली ये ना गाइस, मैं हमेशा भगवान से बात करता हूँ, मैं हर भगवान से बात करता हूँ, और मैं तो ऐसे भगवान से बोलता हूँ अगर मैं ना अपने मकसद अपने गोल को छोड़ के अगर गलत से किसी रास्ते पर ऐसे चला जाओ ना भगवान जी, तो आप मुझे 2-3 चाटे घींच के लगाना और ना मेरे को वापस उस वहाँ पे कान पकड़ के छोड़ के जाना। मैं अपने लिए नहीं, अपने दोनों भाइयों के लिए भी सोचता हूँ कि हाँ हम तीनों को ना अपनी लाइफ में हमेशा ही अच्छा अच्छा देना, मतलब ऑफकोर्स बुरा होता है ना कि कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है, तो वही मैं भी बोलता हूँ। और मैं भगवान पर बहुत बिलीव करता हूँ। अब सबका पर्सपेक्टिव है कि वो किस तरह किस पे, मैं हर एक गॉड पे बिलीव करता हूँ, भगवान हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो, जीसस हो, क्रिस्ट, एनी वे, मैं हर गॉड पे बिलीव करता हूँ भाई, मैं अपना बिलीव सिस्टम है। तो इट्स ओके, और याद रखना तुम जैसे हो वैसा बंदा इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ, याद रखना। तुम्हारा भले ही शक्ल मैच हो सकता है, कुछ भी हाइट वाइट सब मैच हो सकता है, बट याद रखना तुम नहीं हो बंदा, क्योंकि भगवान ने बनाया है ये धरती को, तो उनको ऐसे क्यों लगा कि हाँ इस धरती पे एक ऐसे लड़का या एक ऐसी लड़की की होना ज़रूरी है। मैंने सुना मोटिवेशनल बातें सुना करो, और ये नहीं कि हाँ पढ़ाई कर ली, मैं ऐसी बातें नहीं सुनता मोटिवेशनल कि हाँ कोई काम हो रही है, मैं सिर्फ सुनता हूँ कि मैं खुद मोटिवेट हो जाऊँ लाइफ में ना हमेशा हैप्पी रखना। और आज ही मैंने बहुत तगड़ा डिसीजन लिया है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं हमेशा बोलता था कि मेरे लिए दोस्त इंपॉर्टेंट है किसी और चीज़ से, तो पता है क्या मेरे लिए दोस्त इंपॉर्टेंट है, बट जब उस सिचुएशन में खुद फंसते हैं ना तो तुम्हें पता चलता है। तो आज मैं एक ऐसे सिचुएशन में फंसा था तो मुझे पता चला कि मैं जो पहले बोलता था कि दोस्त इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एक्चुअली मतलब अगर मैं किसी को देखता था ना एक्चुअली कि भाई वो अपने लवर के लिए अपने दोस्त को छोड़ रहा है, ये अपने प्रेमिका के लिए इसको छोड़ रहा है, वो तो मेरे को ऐसे बिलीव नहीं होता था कि हाँ, मैं सोचती थी यार उसको क्यों छोड़ा, भाई दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यार से ज़्यादा दोस्त इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता था अगर मेरे दोस्त बोले इसको छोड़ दे तो मैं हमेशा छोड़ दूँगा, अरे तू इंपॉर्टेंट है, तू मेरे साथ था। बट एक्चुअली ना जब वो सिचुएशन में खुद फंसते हैं ना तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, नहीं प्यार व्यार का कोई लफड़ा नहीं था, मतलब है क्या ही बोलूँ मैं, उसको बताते रहूँगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। एंड फाइनली गाइस नवरात्रि ख़त्म हुआ, और एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैं नवरात्रि के एक दिन भी मैंने पूजा नहीं किया और एक दिन भी मंदिर नहीं गया, इतना मैं अपसेट नहीं हूँ क्योंकि भगवान हमारे अंदर है लोग कहते हैं ऑफकोर्स, बट फिर भी सबका मेरा ना मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे गॉड पे बिलीव करना ना क्या है, मेरे अंदर से ना मतलब मैं अलग टाइप से बिलीव करता हूँ उनके ऊपर, और मैं मंदिर भी जाता हूँ कभी कभी, कभी कभी जाता हूँ, जाना भी चाहिए यार शांति मंदिर, बताए जिस दिन मंदिर जाओ ना तो उस दिन दिन तुम्हारा खूब एकदम मस्त नाके टानदार होता है। और हमेशा पॉजिटिव रहना करो, अपने बारे में अच्छा सोचा करो,
थोड़ा बहुत अच्छे सोचा करो, बुरा मत सोचा करो बिल्कुल भी, ओके, हर चीज़ को पॉजिटिव। एंड पता नहीं गाइस, तुम लोगों से बात करके मुझे मेरी वीडियोस बनाते समय मेरा सारा स्ट्रेस दूर चला जाता है। मैं सुबह से इस बात में एक बार मैं फंसा हुआ था, बट तुमसे बात करके ना मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो गया, इसलिए शायद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ज़्यादा ही बोल दिया गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इस वीडियो को शेयर करना। अगर कुछ भी पार्ट अच्छा या बुरा नहीं लगा कमेंट करके बताना। एंड प्लीज़, आई नो बहुत मेहनत से वीडियो बनाए, तो प्लीज़ लाइक करना भूलना, और एक सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या होता ना, और भले ही लाइक सब्सक्राइब ना करो पर प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखा करो, मेरा वॉच टाइम बढ़ा दो जिससे चैनल मोनेटाइज हो जाए। एंड गाइस, शुरू में तुम्हें एक थंबनेल लिखा था कि मून भी हमारे उपसी एरिया में यानी फ्रैंकलिन ने घर बनाया। अगर तुम्हें सचमुच का चिट कोड चाहिए, कैसे क्यों, ऐसे तो अब इंसान भी जाकर बना सकते हैं, बट तुम्हें चाहिए गेम के अंदर, तो मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर